कश्मीरी हिंदुओं को सर पे मटका उठा के, ह्यूमन फीसिस का, टट्टी का मटका उठा के सर पे चलने के बाद उनको ये बोलना होता था, न बटो अहम, मतलब आई एम नॉट अ कश्मीरी पंडित। सांप का दिल नहीं जीता जाता, सांप का फन कुचला जाता है। कि जिन लोगों पे आपको भरोसा होता है आपका सपोर्ट करेंगे, वही आपको बोलते हैं कि आप लोग तो लड़े ही नहीं। आज आपने तिरंगे देखा ना, आपने तिरंगा लहराते हुए, ये लहराते हुए कश्मीर में जितने भी कश्मीरी पंडित जब भी जितनी देर में रहे ना, उनके घरों के पास तिरंगा लहराता रहा है। जब कश्मीर में कश्मीरी हिंदू मारे जा रहे थे, जब देश का बाकी हिंदू नहीं जागा तो कायर वो है। जब जहांगीरपुरी में हिंदू मारा गया और उत्तम नगर में बैठा हुआ मैं नहीं कुछ कर पाया तो कायर मैं हूँ। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को हमने चुना ही इस देश के सिविलाइजेशनल हीरो के लिए था। धारा 370 को निरस्त करना कितनी मैसिव स्टेप था। बीजेपी का नेशनल यूनिट को अलग कर दीजिए, बीजेपी का जो जम्मू कश्मीर का यूनिट है ना, वो कांग्रेस से भी बदतर है। और जम्मू कश्मीर एक बार फिर से रक्त रंजित इतिहास में लौटता हुआ नजर आ रहा है। 15 अगस्त को शान से तिरंगा फहराया गया, उससे पहले लाल किले पर भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी यादव द्वारा बाइक रैली भी निकाली गई। लेकिन उसके बाद कश्मीरी पंडित की फिर से हत्या हो गई। उसके बाद फिर से आतंकवादियों द्वारा CRPF के जवान पर के काफिले पर हमला किया गया। एक दफ़ा फिर कश्मीर अपने उसी इतिहास की तरफ लौट रहा है, जिसकी वजह से कश्मीरी हिंदू वहां वापस नहीं लौट पा रहे। इस विषय पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कश्मीरी हिंदू विट्ठल चौधरी जी हैं। चौधरी साहब, सरकार बड़े बड़े वादे तो करती है, लेकिन कश्मीर की ग्राउंड रियलिटी में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आ रहा। आपने एक तिरंगा लहराया, एक जान चली गई, पूछ के मारा कि आप कश्मीरी हिंदू हो, धाई, कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। देखिए, कश्मीर के बारे में और कश्मीर के मुद्दे के बारे में जब भी बात होती है तो निरंतरता के साथ हर सरकार की प्रॉब्लम रही है इनकॉम्प्रिहेंशन की, मतलब समझ ही नहीं है कि कश्मीर में हो क्या रहा है। कश्मीर में जो प्रोसेस चल रही है वो इस्लामिक जिहाद की प्रोसेस चल रही है, निज़ाम मुस्तफ़ा को एस्टैब्लिश करने की प्रोसेस चल रही है, और जो भी उसके अगेंस्ट खड़ा होगा उसको ऐसे ही वहाँ पर मार दिया जाएगा। ये कोई अचानक से 15 अगस्त के दिन अचानक से वहाँ पर कोई एकदम बौखला गए कि भारत के तिरंगा वहाँ लहराया गया इसलिए इसके विरोध में नहीं मारा गया, ये प्रोसेस कभी खत्म ही नहीं हुई 1990 के बाद। देखिए 1998 1990 के बाद आप सबको पता होगा, लेकिन उसके बाद के भी कुछ साल हैं जहां पे मैसेकर, मतलब 24 लोग, 25 लोग, 30 लोग लगातार लाइन में रख के मार दिए गए। 1997 2003 2001 छत्तीसिंहपुरा में सिखों को मार दिया गया, और पिछले कुछ महीनों में 21 लोग हिंदुओं को टारगेट करके, नाम पूछ के, घर में घुस के, ऑफिस में घुस के, बैंक में घुस के, अब तो सेब के बगीचों में घुस के, नाम पूछ के, अलग करके, स्कूल में घुस के मार दिया गया। तो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस यह है समझने की, समझना क्या है, समझना यह है कि कश्मीर में अगर जेनोसाइड है, जिहाद है, तो जिहाद का जवाब आप कैसे देंगे? जिहाद का जवाब आप पुचकार के नहीं दे सकते, जेनोसाइड का जवाब आप बिना किसी कानून के नहीं दे सकते। आप मुझे एक चीज़ बताइए, यहाँ पे दिल्ली में एक पॉकेटमार किसी की हत्या कर देता है और वहाँ पे यासीन मलिक बिट्टा कराटे ने किसी को हत्या कर दी, तो सज़ा क्या है? सज़ा दोनों के लिए तो फांसी है, तो उम्र क्या है? तो डिफरेंस क्या हुआ फिर दोनों के बीच में? फ़र्क क्या हुआ बिट्टा कराटे और एक पॉकेटमार में? क्योंकि कानून ही नहीं है, क्योंकि जो आप CRPC के अनुसार जो उनको सज़ा देते हैं वो आप कल्पेबल होमिसाइड की देते हो, होमिसाइड की। होमिसाइड होता है एक बंदे ने दूसरे बंदे को मार दिया, यही कश्मीर में भी यही सज़ा आप दे सकते हो, लेकिन आप जेनोसाइड, जातीय विध्वंस की नहीं दे सकते। जब ये कानून, जब ये प्रावधान सरकार लाएंगे, जब ये समझेंगे कि जेनोसाइड है, मानने देखिए TV डिबेट्स में आके, पिक्चरों में दिखा के जेनोसाइड हुआ है, जेनोसाइड हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है, लोगों में बात बोल के कि जेनोसाइड हुआ है, लेकिन जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप उसको थियोरेटिकली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप कानूनन उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक नहीं। ये तो कितनी बड़ी विडंबना है। निर्मला सीतारमण देश की फाइनेंस मिनिस्टर है, पार्लियामेंट में बोलती है कश्मीरी हिंदुओं को जेनोसाइड हुआ, ठीक है। यूनियन होम सेक्रेटरी, आप तो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, वो जब बिट्टा कराटे को फांसी देनी होती है, सज़ा देनी होती है, तो बोलते हैं हाँ इसने जेनोसाइड किया। यासिन मलिक को पकड़ा तो जेनोसाइड किया। अरे जेनोसाइड किया तो कानून कहाँ है? आप तो उस प्रावधान यूनाइटेड नेशंस के 1949 में इंट्रोडक्टर सिग्नेटरी स्पॉन्सर रहे हैं, मतलब पैसा भी आप ही का खर्चा हुआ है उस प्रावधान को दुनिया में लाने के लिए, और देश में नहीं है, तो ये होता रहेगा। हिंदू जेनोसाइड कभी रुका ही नहीं, थमा ही नहीं, तो आप सरप्राइज किस बात से हो रहे हो? आप परेशान किस बात से हो रहे हो? ये और होगा, 21 मारे गए हैं, 2100 मारे जाएंगे, 21,000 आगे मार देंगे, और आप यही डिबेट करते रह जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई विकल्प, आपके पास कोई समझ ही नहीं है कि वहाँ पर रोकना कैसे। आप क्या करते हैं, बिहार में बाढ़ आ जाती है, हर साल आती है, कोई प्रावधान आपने सुना है कि वहाँ पर 1,000 करोड़, 10,000 करोड़ बाढ़ रोकने के लिए लगा दिए गए हैं? नहीं है। कश्मीर में 2014 में एक बार बाढ़ आ गई, 80,000 करोड़ का पैकेज अनाउंस हो गया, 80,000 करोड़
क्यों हुआ? क्योंकि आप उसको वहाँ पे, आपको लगता है कि हम थोड़ा पैसा लगा देंगे, इनको पुचकार देंगे, इनको इनको पैसे से खरीद लेंगे, तो ये सारी प्रोसेस, क्योंकि इंडियन स्टेट की पॉलिसी ही रही है कि कश्मीर में पैसा पंप करते रहो, दिल जीतने की पॉलिसी रही है। सांप का दिल नहीं जीता जाता, सांप का फन कुचला जाता है। सर एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा आपसे, क्योंकि एक बहुत बड़ी मीडिया की लॉबी भी है और लोग भी है जिनको मैं देखता हूँ सुनते हुए कि आप लोग डर के भाग गए, आप लोग लड़े नहीं, इस तरीके की बयानबाजियां करके कहीं ना कहीं कश्मीरी हिंदुओं की इमेज को इस तरीके से प्रतीत करवाते हैं कि वो कायर थे इसलिए भाग गए। ये जब इतना सब कुछ हो गया उसके बाद इस तरीके के स्टेटमेंट अपने ही मुल्क में, अपने ही मुल्क के लोगों द्वारा जब आप लोग सुनते हैं तो वो जेनोसाइड से ज़्यादा खतरनाक नहीं हो जाता? देखिए, जेनोसाइड से ज़्यादा खतरनाक होता है डिनायल ऑफ जेनोसाइड। जेनोसाइड हुआ है इसको नकार देना, और इससे भी बड़ा विडंबना, इससे भी बड़े शर्म की बात ये होती है कि जिन लोगों पे आपको भरोसा होता है आपका सपोर्ट करेंगे, वही आपको बोलते हैं कि आप लोग तो लड़े ही नहीं बिना किसी तथ्य को जाने हुए। देखिए, बिट्टा कराटे का नाम सुना है आपने, 40 लोगों को मारा, पहला आदमी किस कौन मारा उसने? सतीश टिक्कू। सतीश टिक्कू को कैसे मारा पता है आपको? सतीश टिक्कू अकेला निहत्ता उससे लड़ा 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 लड़ा, गोली मार दी गई, लोगों ने घेर लिया, दोबारा गोली मार दी गई उसको। आप मुझे एक चीज़ बताइए, जहाँ पॉपुलेशन में, आपको पहले ना कश्मीर की डेमोग्राफी को समझने की ज़रूरत है। कश्मीर में कश्मीरी पंडित कहीं, जैसे एक जगह यहाँ ये जाकिर नगर या चांदनी चौक में या कहीं एक साथ क्लस्टर्स में बसे हुए हैं, ऐसा नहीं है। एक गांव में एक घर होता था, एक मंदिर होता था, मतलब 100 मुसलमानों के घर हैं उसमें एक पंडित का घर होगा और एक मंदिर वो पंडित जाएगा। क्या ये बहादुरी नहीं है? इस दुनिया में आप मुझे बताइए, ऐसा कौन सी ऐसा देश है, कौन सी ऐसा जगह है जहां इस्लाम 100% रहा हो, वहां पे कोई और रिलीजियस माइनॉरिटी सर्वाइव करवा पाई हो? 700 साल का निरंतरता के साथ जेनोसाइड है, जाति विध्वंस की हिस्ट्री है कश्मीर की, उसको झेला किसने? उस दंश को झेला किसने? कश्मीरी हिंदुओं ने। आज मैं क्या हूँ? आज मैं विट्ठल चौधरी आज भी हूँ, ठीक है, कश्मीरी पंडित आज भी हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अता हसनैन क्यों नहीं हो गया? मेरा नाम कुछ और क्यों नहीं हो गया? क्यों? क्योंकि मैं लड़ा उनसे। मोहम्मद गजनवी पूरी दुनिया को जब जीत के, पूरे भारत को जीता, हारा कश्मीर में जाके, इस्लाम को हराया पहली बार कश्मीर में जाके, ये तो, और 1989 के बाद भी। आज आपने तिरंगे देखा ना, आपने तिरंगा लहराते हुए, ये लहराते हुए कश्मीर में जितने भी कश्मीरी पंडित जब भी जितनी देर में रहे हैं ना, उनके घरों के पर तिरंगा लहराता रहा है। कब? बिना किसी सरकार के समर्थन के, बिना किसी आर्मी के समर्थन के, बिना किसी पुलिस के समर्थन के, लगातार वहाँ पर भारत माता की जय बोली है। और ये इतिहास रहा है कश्मीर का। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब प्रजा परिषद शुरू किया, धारा 370 को ख़त्म करने की लड़ाई कश्मीर से कश्मीरी पंडितों ने लड़ी, वो बाहर से नहीं लड़े, और लड़ते गए, लगातार बोला कि धारा 370 को ख़त्म करो। बहुत सारे नाम है, मोहन किशन टेंग, शशिक तेजकानी, डॉक्टर अग्निशेखर, डॉक्टर अजय सरंगू, लगातार लिखते रहे इसके बारे में। और जो हुआ, हम तो हमेशा बोलते धारा 370 ख़त्म करना, कोई पार्लियामेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है, राष्ट्रपति एक सिग्नेचर करेंगे, धारा 370 ख़त्म। और हुआ भी वही, पार्लियामेंट में डिबेट रीऑर्गेनाइजेशन पे हुई, धारा 370 को ख़त्म करने की नहीं हुई। तो जब इस इस्लामीकरण में इतने सारे हजूम है, जहाँ 10 लाख 80 लाख लोग हुए हैं और आप 2 लाख हो, उसके बाद भी आप भारत का झंडा, तो वो कायर हो गए। कायर कौन होता है? कायर ये होता है कि पड़ोसी जब मारा जा रहा है, जब आपका भाई, सगा भाई मारा जा रहा है, अपने दरवाज़ा, आप अपनी आंखें मूंद लो। जब कश्मीर में कश्मीरी हिंदू मारे जा रहे थे, जब देश का बाकी हिंदू नहीं जागा, तो कायर वो है। जब जहांगीरपुरी में हिंदू मारा गया और उत्तम नगर में बैठा हुआ मैं नहीं कुछ कर पाया, तो कायर मैं हूँ। कायर कुछ वो मरने वाला नहीं है, घर में अपने दुबक के बैठने वाला, क्योंकि उसको भरोसा था कि कश्मीर में अगर हमें ये कुछ करेंगे तो भारत पूरा, भारत का हिंदू पूरा जागृत हो जाएगा, वो सड़कों पे आ जाएगा हमें बचाने के लिए। आपको 30 साल 32 साल के बाद एक कश्मीर फाइल्स पिक्चर आई तो लोगों को पता लगा कश्मीर में हुआ क्या। ये विडंबना नहीं है, ये समझने की बात नहीं, क्यों नहीं बाहर आया? आपका राजतंत्र, आपका लोकतंत्र, आपका मीडिया, आपका ब्यूरोक्रेसी, आपका इंटरनेशनल अफेयर्स, सब अगेंस्ट कश्मीरी हिंदुओं के रहे हैं, हमारी पीड़ा को बाहर नहीं आने दिया। ये तो अभी कुछ सालों में, कुछ क्रेडिट तो नरेंद्र मोदी की सरकार को भी जाएगा कि कुछ थोड़ा होश आया लोगों को, तो बात करना शुरू कर दिया, वरना तो हमें टीवी डिबेट्स में बुलाया नहीं जाता था। वहाँ पे बैलेंस करने के लिए 4 मुसलमान को खड़ा कर देते थे, 19 जनवरी की बात कर देते थे, वो कई वो गाँव गदल मैसेकर की बात करके गाँव गदल में लोग मारे गए, ये नहीं बोलते थे कि वहाँ आगे वो AK-47 ले लेके खड़े आर्मी पे अटैक किया था उन लोगों ने, तो आर्मी ने रिटेलिएट किया था। कश्मीरी पंडितों ने कौन सा किसी को मारा वहाँ जाके? कश्मीरी पंडितों की डिमांड क्या रही है? छोटी छोटी नौकरी, कोई अमीर करोड़पति लोग नहीं थे कश्मीरी पंडित, छोटी छोटी नौकरियाँ करते थे, हाँ घर थे, खेत थे, हर जगह होते हैं, आप बिहार के हो तो आपके यहाँ खेत होंगे, आप अपनी खेती करते थे, अपना गुजर बसर करते थे, क्यों टारगेट करके मार दिया गया? नौकरियों की वजह से नहीं, क्योंकि वो हिंदू थे, क्योंकि वो सुबह मंदिर का घंटे की आवाज़ चलती थी, क्योंकि वहाँ पे हरि पर्वत शंकराचार्य पे वो जाते थे, जल चढ़ाते थे शंकराचार्य में, क्योंकि अमरनाथ की जब यात्रा होती थी
तो जोगी लंगर में आके वो लंगर की उनके लिए लगाते थे यात्रियों के लिए, वो हिंदू बाहर निकल निकल के जन्माष्टमी की जब प्रोसेशन, अब जन्माष्टमी आने वाली है तो पंचनारा पंडितवा छठा नारा जय हिंद, कश्मीरी हिंदुओं ने बोला है। कौन सी ऐसी मुस्लिम बहुल प्रदेश है, मुस्लिम बहुल एरिया है जहाँ जन्माष्टमी की यात्रा निकली और जय हिंद के नारे निकले, राजा रामचंद्र की जय बोले, जय श्री राम बोला जाए? कोई मेरे को बता दीजिए कहीं पर, क्या वो कायरता है उन लोगों की? एक चीज़ और बताइए, हमने देखा कि पिछले 7 दिन से कश्मीर फिर से डिस्टर्ब्ड है और ये डिस्टर्बेंस तो लगातार चालू है। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ, पहले इस खबरों को दबा दिया जाता था, अब अच्छी चीज़ ये है कि ये खबरें हम तक पहुँच पा रही हैं। सोल्यूशन क्या निकलेगा सर? क्योंकि कोई ना कोई सोल्यूशन तो हमें निकालना पड़ेगा, वरना उनका जो मिशन था वो सक्सेसफुल हो जाएगा। बहुत स्पष्ट दो सोल्यूशन है। सबसे पहले तो ये माना जाए कि कश्मीर में जो हुआ है वो जेनोसाइड है, जेनोसाइड के प्रावधान लाए जिन्होंने भी वो जेनोसाइड किया है, कटघरे में खड़े करो, जैसे न्यूरम्बर्ग ट्रायल्स हुए थे ज्यूज़ के अगेंस्ट, वैसे ही वो न्यूरम्बर्ग ट्रायल्स अब करो। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, कश्मीरी हिंदुओं को अगर आपको वापस भेजना है तो वो भेड़ बकरी तो है नहीं कि आपने उठा के ले आए और उठा के फेंक दो वापस, क्यों अपनी, आपको उनसे बात करनी होगी। कश्मीरी हिंदुओं ने स्पष्ट 1991 में ये बोला कि कश्मीर को अगर आपको भारत को अगर बचाना है तो कश्मीर का विभाजन अभी आपको करना पड़ेगा। आपको वो जो कैंसरस बॉडी, जब किसी के शरीर में कैंसर हो जाता है तो उसको क्या, बॉडी को, शरीर को काट नहीं दिया जाता है, उसको बचाया जाता है, या तो उस जगह को आइसोलेट कर देते हैं या जगह को एम्पुटेट कर दिया जाता है। कश्मीर को आपको दो हिस्से करने पड़ेंगे, आपको एक जियो स्ट्रैटेजिक फुटहोल्ड आपके लिए, मेरे लिए, हर भारतीय के लिए कश्मीर में क्रिएट करना पड़ेगा, एक अलग यूनियन टेरिटरी देनी पड़ेगी। इसके सिवा कोई वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते हो। वो अगर आपको डेमोग्राफी भी चेंज करनी है, आप जाके वहाँ पे 10 लाख लोग नहीं बसा सकते हो, आपको पहले वो जगह के एकत्रित करनी पड़ेगी जहाँ आप कुछ लोग बसा सको और वहाँ से एक्सपेंशन कीजिए आप। आपने ज्यूस का जिक्र किया, देश की जो एक मीडिया है वो ज्यूस का जिक्र बहुत बार देश में करती है क्योंकि एडोल्फ हिटलर ने उसे मारा था, उनके इस अनुसार एडोल्फ हिटलर जो था वो राइट विंगर था, लेकिन वही मीडिया कश्मीरी हिंदूस के जेनोसाइड को जेनोसाइड नहीं मानती, वो कहती है ये तो छोटी मोटी घटना थी, नंबर्स ही नहीं थे, मतलब कि ये घटना उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती है और कहीं ना कहीं इस वजह से ये जो प्रोसेस है वो बड़ा लंबा चला गया। देखिए होता क्या है ना, जब आप ज्यूज़ की बात करते हैं तो अराकी की बात भूल जाते हैं, शमसुद्दीन अराकी की, जब आप हिटलर की बात करते हैं तो आप सिकंदर बुशिकन का नाम भूल जाते हैं, जब आप बात करते हैं हिटलर की तो आप औरंगजेब को भूल जाते हैं। कश्मीर में जेनोसाइड की जो निरंतरता है उसमें 14 मिलियन कश्मीरी हिंदू मारे गए हैं अभी तक, 14 मिलियन, 1,40,00,000 मारे गए हैं अभी तक। भारत में 440 मिलियन या तो मारे गए या तो कन्वर्ट हुए, मेरे फिगर नहीं है, आप गूगल सर्च कीजिए hindujenocide.com पे, आपको फैक्ट्स के साथ नंबर्स के साथ। कश्मीर में जो हिस्टोरियन रहे हैं जोनराज अपनी राज तरंगिनी में लिखते हैं कि जब ये आए थे यवन तो ऐसे चिपक गए थे कश्मीरियों पे, ऐसे लीच चिपक जाते हैं जैसे लोकस्ट खेतों में चिपक जाता है ना, खेत को ध्वस्त कर देता है, अगले दिन खेत ही नहीं बचता, वैसे वहाँ कश्मीरी हिंदू बचे नहीं। 7 दिन तक लगातार जनेऊ जलते रहे, इतने लोगों को डल लेक जहाँ पे आप भ्रमण करते हैं, जहाँ पे तिरंगा यात्रा निकाली गई, एक्सकेवेशन कीजिए ना, नरकंकाल मिले 10 लाख लोगों का, मेरा नाम बदल दीजिए, देश छोड़ दूंगा। वो जगह को वहाँ पे पत्थर बांध के कश्मीरी हिंदुओं को वहाँ पे दफनाया गया है वहाँ पे। ये हिस्ट्री है कश्मीर की और हम नहीं लिखते हैं, ये बहारिस्तान शाही मुस्लिम स्कॉलर ने लिखी है, वो आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तोफतुल अबाब अराकी के अपने बेटे ने लिखी है, आप वो पढ़ लीजिए। जिन्होंने इसको ट्रांसलेट किया उनका नाम था डॉक्टर के एन पंडिता। बोलते हैं कि जब वो ट्रांसलेट कर रहे थे, जब उन्होंने ट्रांसलेशन दोनों किताबों को ख़त्म किया, वो शीशे के सामने गए और अपने बॉडी पार्ट्स को छू के देखा कि मैं जिंदा कैसे बच गया इतने उत्पीड़न के बाद। दलितों के साथ देश में बुरा हुआ, मैं मानता हूँ कि हुआ है, कश्मीरी हिंदुओं को सर पे मटका उठा के, ह्यूमन फीसिस का टट्टी का मटका उठा के सर पे चलने के बाद उनको ये बोलना होता था न बटो अहम, मतलब आई एम नॉट अ कश्मीरी पंडित। अगर आप वो नहीं बोलते थे तो उनको मार दिया जाता था। कश्मीरी पंडितों ने अपने औरतों के नाक और कान काट दिए ताकि इनको किडनैप ना किया जा सके, इनका बलात्कार ना हो, ये बदसूरत कर देते थे उनको। ऐसे हम बचे हैं, ऐसे हम आज हिंदू बचे हुए हैं, ऐसे हम आज हिंदू कंटिन्यू कर पाए हैं, ये हमारी लड़ाई लड़ी है हमने। अब कोई कुछ भी बोले, देखिए जिसको अब मूर्ख के आगे तो क्या ही आप बोल पाएंगे ना, मूर्खता का क्या। सवाल और लूँगा बस मैं आपसे, इन सब में बहुत बड़ा हाथ यासीन मलिक जैसे लोगों का था
और ये लोग प्रधानमंत्री के आवास तक पहुंच जाते थे, कार्यालय तक पहुंच जाते थे। आज उसे जेल हुई है, लेकिन अभी वो जो जेल का मामला है वो जेनोसाइड का नहीं है, बेसिकली वो टेरर फंडिंग, हथियार, इन सब चीज़ों के लिए उसको जेल हुई है। और उसके बाद भी वो जब एक भूख हड़ताल पर बैठ जाता है तो उसके साथ हमारे देश की सरकार, हमारे देश का प्रशासन बातचीत करने की बात करता है। वो जिस मुल्क के साथ मिलना चाहता था, पाकिस्तान, वहाँ इस्लामिक रिपब्लिक है। या तो आप इस्लामिक हो सकते हैं या तो आप रिपब्लिक हो सकते हैं, आप दोनों नहीं हो सकते। और वो भारत के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर का फ़ायदा उठा रहा है इतने सारे कत्ल करने के बावजूद भी। क्या नरेंद्र मोदी सरकार से आपको भी ऐसी उम्मीदें थी? लेकिन नरेंद्र मोदी जी को हमने चुना ही इस देश के सिविलाइजेशनल हीरो के लिए था, डेवलपमेंट के लिए, सड़कें बनाने के लिए, फ्लाईओवर बनाने के लिए। वो सब ने बनाया है इस देश में, नेहरू ने भी बनाया है, शीला दीक्षित ने भी बनाया है, और 65,000 करोड़ का घपला भी किया है। तो वो देश में बनेंगे क्योंकि हमारा देश कर्मठ लोगों का देश है, काम करने वाले लोगों का देश है। ये देश आगे बढ़ेगा, इसकी डेस्टिनी ही आगे बढ़ना है। नरेंद्र मोदी जी को हमने चुना था कि सिविलाइजेशनल हीरो की तरह आप जो इस्लामिक ऑनस्लॉट गजवाए हिंद है उसका ये एक उसका जवाब ये देंगे। हुआ क्या है कि इनकी पॉलिसीज़ में मनसा वाचा कर्मणा टोटली डिफरेंट हो गया है। ये मन से कुछ और होते हैं, कर्म से कुछ और करते हैं, और वचन से तो कुछ और ही हो जाते हैं। नहीं तो नरेंद्र मोदी जी जो देश में हर जगह भारत माता की जय करते हैं, कश्मीर में जाके आपने सुना है वंदे मातरम भारत माता की जय बोलते हुए, उनको नहीं बोल पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है वहाँ की पब्लिक हमारे अगेंस्ट है। अगर उनकी पब्लिक आपके अगेंस्ट है तो आपने क्या कर लिया उसके बारे में? आप क्यों वहाँ पे अपीजमेंट पॉलिसी आज भी कर रहे हैं? कुछ पॉलिसीज, धारा 370 को निरस्त करना कितनी मैसिव स्टेप था, लेकिन आप उसके बाद रुक गए। उसके बाद आप उन्हीं लोगों को वापस बुला बुला के, दिल्ली में बुला बुला के मीटिंग करते हैं जो मूल कारण रहे हैं कश्मीर की बर्बादी का, भारत की बर्बादी का, टेररिज्म का। महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, सज्जाद लोन, इनके बैकग्राउंड चेक कर लीजिए, सब हुरियत के हैं या तो हुरियत स्पॉन्सर। पीडीपी क्या था? पीडीपी वॉज अ पॉलिटिकल विंग ऑफ हुरियत। फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला का बेटा, कश्मीर को बर्बादी उन लोगों ने किया है। कांग्रेस के नेताओं को बुला के बर्बादी ने, आप उनसे बातचीत कीजिए। अगर आप अपीजमेंट ही करते रहेंगे तो भैया फिर आप में और बाकियों में क्या फ़र्क रहा? बस एक चीज़ और, एक चीज़ बस, नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को जेल, मतलब कि हाउस अरेस्ट कर दिया था, इंदिरा गांधी ने उन्हें बाहर निकाला। आप मानते हैं कि इंदिरा गांधी का वो स्टेप बहुत हानिकारक था जिसकी वजह से एक्सोडस जेनोसाइड हुआ? कांग्रेस की निरंतर पॉलिसी कश्मीर को लेके फ्लॉड थी पहले दिन से लेकर आज तक, और वही देखिए कांग्रेस की हर नीति का विरोध बीजेपी करती है। कश्मीर को लेके कांग्रेस की ही पॉलिसी को आगे बढ़ाया जाता है धारा 370 को ख़त्म करने के बाद। तो ये पॉलिसी पैरालिसिस जो है ना, वो कांग्रेस का देन है, बीजेपी सिर्फ उसको आगे बढ़ा रही है। कोई पॉलिसी किसी के पास भी नहीं है कश्मीर के लिए। जो भी आप टीवी पे देखते हैं वो वैक्यूम है, वो हवा में तीर मारते हैं, कुछ चल जाता है कुछ नहीं चलता। 370 को ख़त्म करना, मैं फिर बोल रहा हूँ, एक मैसिव स्टेप था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपने क्या स्टेप लिया कश्मीर को? आप 370 को ख़त्म करते हैं, स्टेट को रियोर्गनाइज करते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं हम दोबारा इसको स्टेट बना देंगे। क्यों बनाएंगे भाई साहब स्टेट? फिर आपने ख़त्म क्यों किया कश्मीर में? आप लोग, आप स्टेट इसको क्यों स्टेटहुड वापस क्यों करेंगे? और जम्मू के लोगों को क्या बुरा है? आपने क्या कर लिया जम्मू के लोगों के साथ? जम्मू पता आपको हमसे बदतर हालत डोगरों की है। हम तो फिर भी बाहर आके बस गए। वहाँ के जो गांव दराज के डोंगरे हैं ना, उनके पास रिजर्व, उनको खाने के बांधे हैं वहाँ पे। सारा पैसा आप कश्मीर में देते हो, सारी बिजली कश्मीर में देते हो, सारी फंडिंग कश्मीर में जाती है। वहाँ जम्मू के लोग बेचारे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो डोंगरे हैं, वो हिंदू हैं, वहाँ पे रुक जाते हैं। वहाँ पे डेवलपमेंट आज भी वही हो रही है। जम्मू में आप रैंडम 10 लोगों से पूछिए, आप वो बताएंगे आपको बीजेपी की पॉलिसीज़ के बारे में। जम्मू की बीजेपी का नेशनल यूनिट को अलग कर दीजिए, बीजेपी का जो जम्मू कश्मीर का यूनिट है ना, वो कांग्रेस से भी बदतर है। वो सिर्फ अपीजमेंट करते हैं क्योंकि उनको पता है हमें यहीं पे इनसे ही कश्मीर जाके यहाँ डल लेक में घूमना है, शाम को गुस्ताबा खाना है, फिर पता नहीं क्या क्या करना है। वो इनकी हालत ही वही हो गई है वहाँ पे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद।